अलैकुम मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम और दुआ के जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें सेहतमंद रहें आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दम का कीमा और इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो ज़रूर अच्छा बनेगा। और चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये सिंपल मसाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी घर में मौजूद होंगे वही उन्हीं मसालों से हम बनाएंगे। तो यहाँ मैं आधा किलो यानी कि हाफ के जी के करीब मैं कीमा ले रही हूँ और कीमा बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, मशीन का निकला होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मशीन में अच्छे से इसको पीस लिया है। पीसने के बाद इसमें जो जो मसाले जाएंगे, सबसे पहले तो मैं इसको एक पतीली में निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें प्याले में इसको निकाल दिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ें चाहिए मैरिनेशन की नहीं जाएंगी, इसको तकरीबन एक घंटा या फिर तीन घंटे मैक्सिमम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं और मिनिमम कम से कम इसको एक घंटे के करीब आपने इसको मैरिनेशन के रखना है। यहाँ पे एक खाने का चम्मच मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ और ये है भुने हुए पिसे हुए चने, ये एक चाय का चम्मच मैंने साबुत लिए थे और उसको पीस लिया था। तो ये तकरीबन एक और ये दो पिसे हुए दो खाना के चम्मच जो है मैंने वो भुने हुए चने लिए हैं। ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी इतनी, ठीक है, इसको मैंने ब्राउन कर लिया है और ये इसके अंदर चली जाएगी। खसखस जो है वो एक चाय का चम्मच है, इसको मैंने भून के पीस लिया था। अब मैं इसके अंदर ये भी डाल दूँगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो तकरीबन एक हरी मिर्च मैंने ली थी इतने साइज़ की, वो मैंने काट लिया। अगर आपको मिर्च तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ एक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ये डाल दूँगी, एक चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च लेनी है, हाफ टी स्पून के करीब नमक लेना है, हाफ टी स्पून के करीब मैंने ये होम मेड गर्म मसाला है ये मैंने इसके अंदर डाला है। आप बाहर का मसाला इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। ये सब्ज़ इलायची यानी कि हरी इलायची है, इसके तकरीबन 6 से 8 अदद थी जिसको मैंने कूट लिया, पीस लिया इसको ना। अब ये है काला ज़ीरा, ये है हाफ़ टी स्पून और ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये भी हाफ़ टी स्पून। ये सारे मसाले इसके अंदर चल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये तेल जो नज़र आ रहा है इसमें आप कुछ चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी, ये वो तेल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। तो ये तकरीबन हाफ़ प्याले से भी कम है, इसमें तेल कम जाएगा और क्वांटिटी भी इतनी भी रखनी पड़ेगी क्योंकि हाफ़ केजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें चली गई। अब मेन इंग्रेडिएंट्स जाएगा इसके अंदर कच्चा पपीता 2 खाने के चम्मच। यहाँ पे मैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डालूँगी, ये मैं कच्चा पपीता घर में बनाया हुआ था मैंने पीस के, ये मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये भर के मैं इसके अंदर डालूँगी, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट जाएगा दही, दही जाएगा तकरीबन 4 खाने के चम्मच, इसको मैं 1, 2, 3, 4 ये 4 खाने के चम्मच हैं, इसको मैं प्लेट के इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, अब मैं इसको मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी, मिनिमम 1 घंटा, वरना आप इसको ओवरनाइट कर रख के इसको फिर इसको पकाना स्टार्ट करें। अच्छा, ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको रख दूँगी मैरिनेशन को। और अगर आप चाहें तो इसमें मिर्च का इजाफा थोड़ा सा कर सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मिर्च और नमक आपके हाथ में हैं, आप जितना चाहें उसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने आधा किलो के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मसाला बताया है जो नॉर्मल मिर्चें खाने वाले लोग हैं, तो ये बिल्कुल सही मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। और इससे ज़्यादा आपको बढ़ाना हो तो आप 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून और डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको रख दूँगी मैरिनेशन को, तकरीबन 1 घंटे बाद या 3 घंटे बाद फिर मैं इसको पकाना स्टार्ट करूँगी। अच्छा है इसको ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम दें क्योंकि इसमें जो कच्चा पपीता है वो सारे गोश्त को बहुत ही सॉफ्ट बना देगा, नरम कर देगा। वैसे तो कीमा बना हुआ है ये, लेकिन इससे ये होगा कि कच्चे पपीते से कि ये इसमें जो भी कसर होगी वो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसको मैं कर दूँगी मैरिनेशन के लिए रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। 3 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए ये मैरिनेशन हो चुकी है इसकी। अब मैं इसको हल्की आँच पर, दम वाली आँच पर जो है इसको मैं रख दूँगी पकाने के लिए, और इसको तब तक पकाना है तब तक ये अच्छा सा गल ना जाए। इसमें पानी नहीं डाला जाएगा इसलिए क्योंकि इसमें दही का जो है पानी निकलेगा और गोश्त का अपना भी एक पानी होता है उसमें निकल के वो पकेंगे, और वैसे भी मशीन का बारीक हुआ हुआ है इसलिए इसको ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। उसके बाद फिर हम आखिर में जब ये गल जाएगा तो उसमें हमने कोयले की धुनी दे देनी है और मज़ेदार सा जो है दम का कीमा तैयार हो जाएगा। मैं इसको रख दूँगी चूल्हे के ऊपर।
ये देखें ये बिल्कुल दम वाली पोजीशन पर है और बहुत हल्की आंच मैंने रख दी है। अब इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इस पर रख के मैं इसको पकाने के लिए छोड़ दूँगी। इसको वक्फे वक्फे से चेक करते रहना है। ये देखिए यहाँ पे इसका पानी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और अगर आपको लगे कि आपका जो क़ीमा है वो अभी गला नहीं है तो हाफ़ कप कर जो है उसके अंदर पानी डाल के मज़ीद इसको गला सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको गलने में थोड़ा टाइम है तो अब मैं इसको ढक देती हूँ। मैंने इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट्स हो चुके हैं इसको और ये अच्छा सा गल गया हल्की आँच पर। इसके अंदर जो हल्का हल्का पानी मौजूद है इसको अब हम तेज़ आंच पे रख के इसको जो है वो खुश कर लेंगे। तो इसके लिए मैं चूल्हे की आंच तेज़ कर दूंगी, तो इसकी आंच तेज़ कर दूंगी और इसमें से जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। मैंने अच्छा सा दहका दिया है, अब इसमें हम कोयले की धुएँ दे देंगे। ठीक है, ये तकरीबन इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तेज़ आँच पर मैंने खुश्क कर लिया, अब ये अच्छा सा गल भी गया। लास्ट में मैं हाफ नींबू जो है इसके अंदर डाल दूँगी मैं लास्ट में, बिल्कुल ये मैंने हाफ डालना है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि कोयले जो है मैंने दहका लिया है, अब इसका इसकी धुएँ दूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़े से पुदीने के पत्ते इस पर डाल दूँगी काट के। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अभी देखें थोड़ा सा मैंने पुदीने के पत्ते डालने, बस थोड़े से डालने मैंने। और अब मैं इसके अंदर रोटी का एक टुकड़ा रख दूँगी। अगर रोटी का टुकड़ा आपके पास नहीं है मौजूद तो फिर मैं इसके अंदर, आप इसके अंदर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज का एक छिलका। अब जो दहका हुआ जो कोयला है मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ठीक है, ढक्कन आपने बिल्कुल अपने हाथ में रखना है, जैसे ही आप इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे आप फौरन इसको ढक देंगे। और इसके ऊपर कोई चीज़ भारी चीज़ रखते हैं, हैवी चीज़, ताकि इसमें जो भी इसका धुआं है वो इसके अंदर रहे। और इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट या जब तक कि ये इसके अंदर धुआं अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, या ये कह रहे हैं कि कीमा जो है ये धुनी को अपने अंदर जब्स कर ले, तब तक हमने इसको अंदर रखना है। उसके बाद फिर निकाल लेंगे और फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, ये देखें मैंने इसके अंदर कोयले की धुनी दे दी है, अब इसको हटा के देखेंगे। ये देखें कोयले की धुनी अच्छी सी हो गई है और अच्छा सा इसमें जो है वो खुशबू भी आ गई है। तो अब ये रेडी टू सर्व होने को तैयार है। ये देखें, ये मैं इसको अब निकाल रही हूँ। ये देखें मैं इसको निकाल रही हूँ। आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ सर्व करें। देखिए मज़ेदार सा दम का कीमा तैयार है। ये मैंने इसको सर्व कर लिया है और इसको आप चपाती के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं, दोनों तरीके से बहुत ही मज़े के साथ लगेगा और रायता हो तो और भी बात क्या बात है। तो आगे वो इसी तरीके से फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और फॉलो करें मेरा फेसबुक पेज। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।